खबरों में आगे बढ़ते हैं। भीलवाड़ा के जहाजपुर में जल झूलनी जुलूस पर पत्थरबाजी का मामला, पत्थरबाजी मामले में अब तक 27 लोगों को डिटेन किया गया है। विधायक गोपीचंद मीणा, हिंदू संगठनों और पुलिस प्रशासन में वार्ता जारी है। एडिशनल एसपी चंचल मिश्रा के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च कर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। बता दें कि कल जुलूस पर पत्थरबाजी की गई थी और इसके बाद ये हंगामा और भी ज्यादा बढ़ता चला गया। हिंदू संगठन ने प्रदर्शन भी किया। खबर जयपुर से है, जहां आदर्श नगर एसीपी ने अपहरण मामले में एक्शन लिया है। 10 लाख की फरौती की मांग करने वाले पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। अपहृत नाबालिग को सकुशल दस्तयाब किया गया। चार अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। नाबालिग निरुद्ध नाबालिग का 11 सितंबर को एसी मार्केट से अपहरण किया गया था। किडनैपिंग हुई थी। जयसिंहपुरा खोर थाना क्षेत्र एक मकान में छुपे थे सभी अपहरणकर्ता। अशोक चौक सर्किल समीप अपहरणकर्ताओं को दबोचा गया। ऑटो स्कूटी और बाइक मामले में भी जब्त किया गया। आदर्श नगर थाना अधिकारी सुभाष चंद्र ने पुलिस टीम के साथ ही कार्रवाई की है। और विजयनगर में सोमवार को बालाजी मेले में निकलने वाले हनुमान अखाड़े की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गई है। बता दें, रविवार को विजयनगर तहसीलदार शिल्पा चौधरी, विजयनगर थाना इंचार्ज राजमल कुमावत ने पुलिस जाब्ते के साथ फ्लैग मार्च किया और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। गौरतलब है कि जहाजपुर में बेवाड़ पर पथराव मामले के बाद प्रशासन सतर्क है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा बस्सी के बेनाड़ा सिद्धपीठ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने अखिल भारतीय हरियाणा गौड़ ब्राह्मण महासभा के कार्यक्रम में शिरकत की। मुख्यमंत्री ने प्रतिभाओं को प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान करीब 1500 विद्यार्थियों और कर्मचारियों का सम्मान किया गया। तो वहीं इस दौरान सीएम ने अपने संबोधन में आयोजन की तारीफ करते हुए कहा कि इस प्रकार के आयोजनों से भाईचारा बढ़ता है। की मिल गई और शिक्षा ठीक प्रकार से ग्रहण कर ली तो शिक्षा में से कोई नहीं बांट सकता, कोई नहीं बांट सकता। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हमारे आने वाली पीढ़ी, ये आपको करना होगा। आप सभी का दायित्व है, माता पिता होने के नाते, एक भाई होने के नाते, चाचा होने के नाते, ताऊ होने के नाते, हम सबका दायित्व बनता है कि हमारे बच्चों को हम अच्छी शिक्षा दिलाएं, हम उनको अच्छा स्किल दिलाएं, विज्ञान के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं, इस समय में सबसे बड़ी बात होती है माता पिता और हमारे बुजुर्गों की सेवा का भाव आने वाली पीढ़ी के अंदर होना चाहिए। निश्चित रूप से आपने जिन ऐसी प्रतिभाओं को सम्मान किया है, वो आगे आने वाले समय में हमारे गांव का, हमारे परिवार का निश्चित रूप से नाम रोशन करेंगे। आप इसको इतना छोटा मत लीजिए। मैं कहना चाहता हूं, एक प्रतिभाशाली बालक और बालिका के लिए मंच पर सम्मान करना, उनको प्रोत्साहन करना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। उनके मन में जो भाव आता है, जो उमंग आती है, उस भाव और उमंग के साथ जब बच्चा मेहनत करेगा, तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, क्योंकि कर्म ऐसा है, यह मेहनत ऐसी है, जब मेहनत करते हैं तो ऊपर वाला भी साथ देता है और उस मेहनत का फल मिलता है। इसलिए मैं ऐसे छात्रों छात्राओं को भी कहना चाहता हूं, आपके जीवन में आपके सपने के लिए आसमान खाली है, आप उड़ान भरी।
और पोखरण के खेतोलाई गांव से करीब 3 किलोमीटर दूर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें गाड़ी में सवार 5 लोगों में से 3 लोग घायल हो गए हैं, जिसके बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। जानकारी के मुताबिक गाय को बचाने के चक्कर में चलती गाड़ी का टायर फटने से यह हादसा हुआ है। सभी गाड़ी में सवार लोग नागौर जिले के पर्वतसर क्षेत्र के रहने वाले हैं और तनौट माता के दर्शन करने के लिए अपने गाँव की तरफ जा रहे हैं। अजमेर के पींसागंज से खबर है, जहां सागरमती नदी में युवक के बहने का मामला सामने आया है। 19 घंटे बाद एसडीआरएफ ने शव को ढूंढ निकाला। जाटाबास निवासी था मृतक श्यामलाल कुमावत। भीलवाड़ा के आसीन उपखंड क्षेत्र के बराना गांव में स्थित प्राचीन खाखुल देवजी महाराज मंदिर परिसर में 2 दिवसीय मेले का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही भजन संध्या का कार्यक्रम भी होगा। खाखुल देव जी के मेले को लेकर खाखुल देव जी की ध्वजा का गांव में विशाल जुलूस निकाला जाएगा, जिसमें हजारों की संख्या में लोग भाग लेंगे। मान्यता है कि व्याख्यात पराना गांव में खाखुल जी महाराज का मंदिर प्राचीन एवं चमत्कारी धार्मिक स्थल है। लोगों का मानना है कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी बीमारी से पीड़ित है, वह यहाँ पर आने के बाद स्वस्थ हो जाता है और बीमारी के ठीक हो जाने के बाद अनाज चढ़ाने की परंपरा भी है। कोटपुतली के विराटनगर में राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर बालाजी नर्सरी के सामने कोयला लदा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हालांकि हादसे में कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। जानकारी के मुताबिक ट्रक कोयला लेकर जोधपुर से दिल्ली जा रहा था। इसी दौरान आगे चल रहे वाहन को बचाने के चक्कर में ट्रक अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ कर गया और पलट गया। ट्रक ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। भरतपुर के आरबीएम अस्पताल में नई अनुबंधित प्लेसमेंट एजेंसी के खिलाफ कर्मचारियों ने अवैध वसूली को लेकर प्रदर्शन किया है। इस दौरान प्लेसमेंट एजेंसी को पैसा जमा कराने वाले कर्मचारियों ने अवैध वसूली वापस करवाने की मांग की है। साथ ही कहा कि कंपनी का ठेका निरस्त किया जाए। बता दें कि शनिवार देर शाम डीएसटी टीम और उद्योग नगर थाना पुलिस ने प्लेसमेंट एजेंसी के ऑफिस पर दबिश देकर वहां से सैकड़ों फॉर्म और रुपये जब्त किए थे। साथ ही एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया। कर्मचारियों ने बताया कि पुराना टेंडर खत्म होने के बाद अब एआई सर्विसेज जयपुर नाम की एजेंसी को टेंडर मिला है, जो पहले से लगे कर्मचारियों के द्वारा दस्तावेज जमा करवा रही है। साथ ही दस्तावेज शुल्क के नाम पर 500 से 2000 रुपए लिए जा रहे हैं। कंपनी के माध्यम से जो एजेंसी है, जिसके थ्रू अब नए रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, उन्होंने शुरू से आते ही हमारा शोषण करना शुरू कर दिया है। रजिस्ट्रेशन के नाम पर किसी से 1000 रुपये, किसी से 2000 रुपये वसूले जा रहे हैं और साथ में ही 100 रुपये का स्टाम्प मांग रहे हैं। उसमें ये लिखवा रहे हैं कि आप कहीं भी आगे भविष्य में नियमितीकरण के लिए आवेदन नहीं कर सकते, और पीजीडीसीए या बीसीए की मांग कर रहे हैं, जो पहले कंप्यूटर ऑपरेटर 10 साल से लगे हुए हैं, उनसे ये कह रहे हैं कि अब आपका काम बहुत हो गया, हम नहीं भर्ती लेंगे, उनको हटा देंगे। ऐसे ही फार्मासिस्टों से भी कह रहे हैं। पाली का प्रमुख हिमावास बांध हुआ है ओवरफ्लो। हिमावास बांध के ओवरफ्लो होते ही किसानों के चेहरे खिल गए हैं। हिमावास बांध से हजारों हेक्टेयर भूमि में सिंचाई होती है। हिमावास बांध का पानी शहर के पेयजल के लिए काम आता है। शहरवासियों को पेयजल से निजात मिलेगी। बांध के आसपास लोगों की आवाजाही रोकी गई है। तो बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, हिमावास बांध ओवरफ्लो हो गया है। बांध के ओवरफ्लो होने से किसानों के चेहरे अब खिल उठे हैं। अब शहरवासियों को भी पानी की सुविधा मिल सकेगी। जालौर में साइबर सुरक्षा प्रहरी अभियान के तहत चल रहे 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हो गया है। तो वही प्रशिक्षण में जालौर और सांचौर जिले के 60 पुलिसकर्मियों को साइबर अपराधों की पहचान, जांच और रोकथाम के बारे में प्रशिक्षित किया गया। इसके साथ ही सोशल मीडिया के जरिए होने वाले अपराधों की पहचान और निवारण के साथ साथ मोबाइल फॉरेंसिक और क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन अपराधों की जांच पर विशेष ध्यान दिया गया है।
और अब खबर डीग जिले से है, जहां भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को खंडित करने का मामला सामने आया। कामा पुलिस के हाथ लगी है बड़ी सफलता। मूर्ति को क्षतिग्रस्त करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आरोपियों ने मिलकर मूर्ति को खंडित करने की साजिश रची थी। कामा थाना अधिकारी डीएसटी टीम प्रभारी की टीम ने कार्रवाई की है। देर रात्रि की बात है जब ये घटना हुई थी, जिसमें कामा में पार्क में लगी हुई अंबेडकर जी की मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया गया था। इसमें उसी समय से आईजी साहब के निर्देशन में और जिला प्रशासन और पुलिस ने कार्रवाई शुरू की थी। इसमें बहुत सारी टीमें बनाकर एडिशनल एसपी कामा, सीओ कामा, अपने एसडीएम साहब कामा और SHO कामा, और उसके अलावा जो थाने की और DST टीम, इन्होंने कई स्तर पर टीमें बनाकर फिर उस पर काम किया, जिसमें कि पूरे कस्बे के CCTV कैमरास को चेक करना, जो लोग संदिग्ध हो सकते हैं उनकी चेकिंग करना, आने जाने वाले रूट, इन सभी पर कार्य किया और तकनीकी चीज़ों से चीज़ें इकट्ठी की, और फाइनली हमने आज 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो कि इसमें मूर्ति को जो क्षतिग्रस्त करने वाले व्यक्ति है वो है, और इसका जो साथ देने वाले जो 2 लोग हैं, कुल 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। और झुंझुनू के चिड़ावा से बड़ी खबर है, फौजी ने पत्नी की हत्या कर खुद को फांसी लगा ली। 2.25 साल पहले ही दोनों की शादी हुई थी। 4 दिन पहले घर छोड़ आए थे किराए के मकान में। विवाहिता के भाई ने ससुराल वालों के खिलाफ रिपोर्ट दी है और कहा ससुर जेठ ननंद ने किया था मारपीट करके प्रताड़ित। वोहाना DSP नेपाराम भाकर ने मौका मुआयना किया है। पहले महिला का गला दबाकर उसकी हत्या की गई और फिर पति ने खुद ही आत्महत्या कर ली। आप तो कई बार हो चुके हो, कई बार मेरे बैठ सिस्टर ने मारी, दो रात, एक महीने 2 महीने पहले मेरे सिस्टर ने गुड्डा थाना में 100 नंबर पे कॉल किया था रात को, और फिर वहाँ से पुलिस आई, राजेश जी ने, राम स्वरूप जी ने और इनकी ननद सजना, वो और एक ननद है, उन्होंने दोनों ने, तीनों ने मिलकर इसको पीटा। रात को 1 बजे चाचा के घर सिरचंद जी के घर जाकर रात को दर्दी मेरा फोन नहीं मिला था। फिर सुबह जाके मैं गुड्डा थाना से इनका समझौता करवा के लाया कि चलो कोई दिक्कत नहीं। सूचना मिली है कि यहाँ सुल्ताना में एक मकान में एक पति पत्नी की मृत्यु हुई है, तो SHO सुल्ताना और मेरे द्वारा श्रीमान SP साहब के निर्देश अनुसार घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, और जब दोनों की पहचान की गई तो मृतक है राजेश पुत्र रामस्वरूप जाति जाट, उम्र 30 साल, चारावास का रहने वाला, और मृतका है मंजू पत्नी राजेश, चारावास की रहने वाली। घटना स्थल के निरीक्षण से प्रथम दृष्टया ऐसा मालूम होता है कि महिला करौली के हिंडोन सिटी में पानी में डूबने से युवक की मौत हो गई। बता दें कि युवक मुकुंद्रपुरा गांव की जगर नदी में नहाने गया हुआ था। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, हालांकि अभी तक युवक का शव नहीं मिला है, जिसके बाद SDRF टीम और गोताखोरों को भी बुलवाया गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 17 सितंबर को झुंझुनू आएंगे। वे यहां पर नगरीय विकास मंत्रालय की ओर से चल रहे स्वच्छता पखवाड़े के तहत राज्य स्तरीय स्वच्छता राजस्थान कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय नगरीय विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर और प्रदेश के UDH मंत्री झाबर सिंह खर्रा भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम राजकीय पीरू सिंह स्कूल के खेल मैदान में होगा। वहीं रविवार को तैयारियों का जायजा लेने के लिए जिला कलेक्टर रमावतार मीणा और SP शरद चौधरी पहुंचे, जहां उन्होंने आयुक्त अनीता खीचड़ और अन्य अधिकारियों के साथ हवाई पट्टी कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। तारीख को माननीय उपराष्ट्रपति महोदय और केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल जी खट्टर महोदय और राजस्थान सरकार के माननीय मंत्री UDH पधार रहे हैं। स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ झुंझुनू से किया जा रहा है।
इसकी तैयारियां चल रही हैं। उपराष्ट्रपति महोदय के दो प्रोग्राम हैं, एक तो सफाई श्रमदान का प्रोग्राम रहेगा जो हमने स्थान निर्धारित किया है, और ये पूरे इनोग्रेशन होगा यहाँ से पूरे कंट्री का इस स्थान से। ऐसा कलेक्टर साहब ने बताया, महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय की यात्रा है, साथ में केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल जी खट्टर जो केंद्रीय नगर विकास मंत्री हैं वो हैं, राजस्थान के नगर विकास विभाग के मंत्री श्री हरलाल सिंह जी खर्रा हैं, वो मान्य अतिथिगण होंगे। कार्यक्रम के बारे में कलेक्टर साहब ने आपको अवगत कराया। हमारी दायित्व पुलिस विभाग का ये है कि कार्यक्रम बिना किसी विघ्न बाधा के निर्बाध रूप से संपन्न हो, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहे, और कहीं पर भी उनकी लैंडिंग से लेकर कारकेड चलने से लेकर यहाँ पहुँचने तक और वापसी तक सब कुछ व्यवस्थित और सुचारू रूप से हो, उसी का जायज़ा लेने के लिए कलेक्टर साहब और हम इस पूरे जहाँ जहाँ भी VIP का आगमन होगा उस जगह को देख रहे हैं। माकूल व्यवस्था झुंझुनू पुलिस के द्वारा की जाएगी।